Hey guys, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक बजट सेगमेंट का गेमिंग व्हील को रिव्यू किया था और जिस प्राइस पॉइंट पे आता है वो व्हील काफी अच्छा था। आप लोगों ने काफी सपोर्ट भी दिखाया और उस वीडियो पर जो रिएक्शन था वो भी काफी पॉजिटिव था। देखो प्राइस वाइज तो वो व्हील अच्छा था, लेकिन अगर आप एक गेमिंग व्हील की हैसियत से देखते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस उस गेमिंग व्हील में देखने को मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल प्रिसीजन हो गया, बिल्ड क्वालिटी हो गया और भी बहुत सारी चीजें। यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है कैमस, उसका जो है एक वेरिएंट आता है कैमस C5। वो व्हील ना आजकल मार्केट में $250 का देखने को मिलता है। अगर आप उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो वो लगभग ना 20-21 हजार रुपए के आसपास बन जाता है। इस प्राइस पॉइंट पे कैमस C5 जो आपको फीचर्स जो क्वालिटी प्रोवाइड करता है ना भाई, वो अनबीटेबल है। कुछ दिन पहले यहाँ पर मुझे कैमस ने अपना C5 रिव्यू यूनिट भेजा हुआ था। लगभग मैं इसे एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ। मैंने सोचा एक काम करते हैं, आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अनबॉक्सिंग वाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई आपको एक नहीं दो नहीं तीन बॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहले बॉक्स में आपको आपका व्हील मिल जाता है, थोड़े बहुत मैकेनिक्स मिल जाते हैं, दूसरे बॉक्स में आपको माउंट्स मिल जाते हैं और तीसरे बॉक्स में आपको पेडल्स मिल जाते हैं। इंस्टॉलेशन ना यहाँ पर इस व्हील का बहुत ही सिंपल है। आप लिटरली 15 से 20 मिनट लगेगा आपको इंस्टॉल करने में, आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैनुअल पढ़ सकते हो। बाकी ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ, इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है और आप इसे टेबल पर बहुत आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपके पास रेसिंग सिमुलेटर है तो उसमें ये व्हील बहुत आराम से आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर माउंट्स वगैरह दिए हुए हैं। तो जो लोग थोड़ा सा प्रोफेशनली होके कार वाले गेम्स खेलना चाहते हैं वो लोग आराम से इसके साथ भी जा सकते हैं। अब इस व्हील का जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो पहली चीज़ जो यहाँ पर आप नोटिस करते हो ना वो ये कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अनबीटेबल है फॉर द प्राइस। यानी कि अगर आप 20-21 हजार रुपये के आसपास इस व्हील को ख़रीदते हो ना तो भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉलिड होने वाली है। इंटायर व्हील जो है वो मेड अप ऑफ मेटल है और बहुत ही थिक और भारी वाला मेटल यहाँ पर यूज़ किया गया है। टेबल पे लगाने के बाद जब आप इसे थोड़ा सा यूज़ करना स्टार्ट करते हो ना तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं से फ्लिम्जी लग रहा हो या कहीं से क्रीकिंग साउंड आ रहा हो। क्वालिटी वाइज कैमस ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट में एक्चुअल कार्बन फाइबर का यूज किया गया है जो कि रियल स्पोर्ट कार्स में यूज होता है। आई डोंट नो ये सिंथेटिक लेदर है या ओरिजिनल लेदर है, लेकिन जो भी है बहुत ही अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है और स्टिचिंग का काम भी काफी अच्छा किया गया है। बाकी जब आप इस व्हील को फर्स्ट टाइम यूज करना स्टार्ट करते हो ना, आपको लिटरली एक्चुअल कार की वाइब्स भी आती है। हालांकि इसका जो हैंडल है वो एक्चुअल कार से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ठीक है, जब आप ड्राइव करने बैठोगे ना आपको फील ना बिल्कुल एक्चुअल कार वाला देता है। बाकी यहाँ पर आपको ढेर सारे बटन्स देखने को मिलते हैं, स्पीडोमीटर देखने को मिलता है जो कि कुछ गेम्स में सपोर्टेड भी है, कुछ गेम्स में अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नहीं भी करता है। लेकिन बटन्स का जो यहाँ पर जो आपको फीडबैक देखने को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा टैक्टाइल होता है, आपको मज़ा आ जाएगा बटन्स को यूज़ करने में। अब इस व्हील को फुल्ली यूज़ करने के लिए आपको इनके सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने के बाद ये व्हील जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट टाइम जब आप इसे लॉन्च करो तो आप इसके अंदर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको आप अपडेट कर लेना। बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर से आप इस व्हील को बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये व्हील ना इन्फिनाइट डिग्री तक रोटेट कर जाता है, लेकिन आप इसे अपने हिसाब से कस्टम डिग्री तक सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 270 डिग्री तक खेलना है तो आप उसको सेट कर सकते हो, 360 तक सेट कर सकते हो, मैक्सिमम 2000 डिग्री तक भी सेट कर सकते हो। उसके नीचे यहाँ पर आपको डैम्पनिंग फोर्स मिल जाता है, फ्रिक्शन मिल जाता है, स्प्रिंग फोर्स देखने को मिल जाता है, तो उसे आप अपने लाइकिंग के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी गेम सेटिंग को भी ओवरराइड करने का ऑप्शन मिल जाता है, लाइक गेम की जो इफेक्ट्स हैं आप उनको कितने परसेंट तक एक्सपीरियंस करना चाहते हो। मैं पर्सनली फॉरजा होराइजन 5 का जो 10% है ना वो मेरे लिए मोर देन इनफ है। ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर आपकी टेबल लिटरली शेक करने लगती है जब आप घास वगैरह में गाड़ी चलाते हो। तो जब हम लोग ने फर्स्ट टाइम इस गेम को लॉन्च किया था ना तो बहुत लाउड साउंड आ रहा था, पता नहीं किस चीज़ का साउंड था। आई थिंक स्टीयरिंग के अंदर जो मोटर होता है वो बड़ा अजीब सा साउंड कर रहा था, लेकिन ठीक है सॉफ्टवेयर तो थोड़ा बहुत ट्यून करने के बाद वो साउंड कम्प्लीटली गायब हो गया और मैंने दोबारा से वो चीज़ें रेप्लिकेट करने की कोशिश करी लेकिन वो मुझे साउंड नहीं आया। एक बार जब सारी चीज़ें ट्यून कर ली और गेम में जब हम लोग ने इस व्हील को यूज़ करना स्टार्ट करा तो भाई हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का था। अगर आप बजट सेगमेंट के गेमिंग व्हील पहले यूज़ करे हैं और आप इस व्हील को यूज़ करते हो ना तो बहुत सारी नई चीज़ें आप यहाँ पर नोटिस करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल जो लेटेंसी होती है ना वो यहाँ पर आपको बिल्कुल ज़ीरो देखने को मिलती है। जो चीज़ जैसे आप टर्न करते हो रियल लाइफ में वैसे ही वो चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट होती हैं गेम के अंदर इंस्टेंटली, तो लेटेंसी वाला कोई मसला नहीं होता जो कि आपको बजट सेगमेंट के व्हील्स में होता है। बाकी एक चीज़ आप और भी नोटिस करते हो कि माइक्रो एडजस्टमेंट है ना
वो यहाँ पर आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कार आप स्ट्रेट चला रहे हो, आपको हल्का सा टर्न लेना है ना, तो आप हल्की सी भी व्हील टर्न करोगे तो वो चीज़ गेम में भी रिफ्लेक्ट होती है। बजट सेगमेंट के व्हील्स में आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, आपको थोड़ा ज़्यादा टर्न करना पड़ता है तब वो जाकर आपके गेम में रिफ्लेक्ट होती है। आई डोंट नो व्हाई बजट सेगमेंट के जो गेमिंग व्हील्स होते हैं ना उनमें डेड जोन होता है, इसमें डेड जोन बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर लगभग एक हफ्ते से इस गेमिंग व्हील को यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है ना भाई वो फैंटेस्टिक रहा है। थोड़ा बहुत टाइम लगता है चीज़ों को ट्यून करने में, थोड़ा बहुत टाइम लगता है चीज़ों को आपके हाथ में भी सेट होने में, लेकिन जब एंड रिजल्ट निकल कर आता है ना वो बहुत ही फैंटेस्टिक होता है। और एक हफ्ता यूज़ करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। हालांकि यहाँ पर ना मुझे एक छोटी सी शिकायत रही है, वो ये है कि इस व्हील का जो स्पीडोमीटर है वो फोर्जा 5 में वर्क नहीं करता, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेटली वाली बात है, लेकिन ठीक है, छोटी सी चीज़ है, मैंने मेंशन करना ठीक समझा। हालांकि ये व्हील नेटिवली बहुत सारे गेम्स को सपोर्ट करता है, जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द रेसिंग वाले गेम्स हैं जैसे कि डर्ट हो गया और भी हैं बहुत सारे, आप उनमें इस व्हील को आराम से यूज़ कर सकते हो। और कहीं पर मैंने पढ़ा था कि ये व्हील फोर्जा 4 को सपोर्ट नहीं करता, तो एक चीज़ ये आप ध्यान में रखना, फोर्जा 4 खेलने वाले हो तो ये व्हील नहीं चलने वाला। बाकी ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कंक्लूजन के बारे में, $250 के हिसाब से भाई मुझे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होने वाला है वो बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है। लेटेंसी आपको इस व्हील में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती और माइक्रो एडजस्टमेंट भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ये मुझे इस व्हील का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगा। बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो लोग लॉजिटेक के बहुत महंगे वाले गेमिंग व्हील लेने वाले थे, जो जिनकी शुरुआत 35,000-40,000 रुपए से होती है, उन व्हील्स के बजाय आप कैमस के C5 के साथ जा सकते हो आराम से। हाँ वो बात अलग है, अगर आप बहुत हाई एंड व्हील्स के साथ जाते हो तो हो सकता हो वहाँ पर आपको कंसोल्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाए, मुझे क्लियर पता नहीं है कि ये कैमस C5 कंसोल्स को सपोर्ट करता नहीं करता, तो लेने से पहले आप एक चीज़ ये भी वेरीफाई कर लेना। वेल तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू कैमस C5 गेमिंग व्हील का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं इससे डेली सम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।